तकलीफ है। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन जो कि खेतों में सिंचाई का एक तरीका है, जिसमें ड्रॉप ड्रॉप करके पौधों में पानी डाला जाता है, उसका ये मॉडल बनाया है। इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये एक पैकेट बंद है जो कि मैं यहाँ से चेन्नई भेज रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको असेंबल करना है। कैसे अनबॉक्सिंग करेंगे पहले, फिर असेंबल करेंगे, फिर ये वर्किंग मॉडल है, इसको पूरा तैयार करके चालू करके दिखाऊंगा आपको कि ड्रिप इरिगेशन कैसे काम करता है। पहले इसे खोल देंगे, ये कटर से इसकी टेप काट लेंगे। ये देख, ये अनबॉक्सिंग है। उसके बाद ये जो इसमें प्लाई लगी है, ये टेम्परेरी लगी हुई है, इसको भी काट लेंगे। टेप लगी हुई है इस पर चारों तरफ, देखिए इस तरह। ये प्लाई है, इसको हटा देंगे हम। अब इसके अंदर हमारे कुछ सामान निकलेंगे, ये टेप से चिपका रखे हैं, ये स्टैंड है, इस टेप को हमें काटना है। ये देखिए, काट के ये निकाल लिया हमने। एल टाइप का हमारा स्टैंड है, ये डबल टेप लगी हुई है हमारी, इसको एक तरफ रख देंगे। ऐसे ही दूसरा स्टैंड भी यहाँ चिपका हुआ है, इसको भी काट लेंगे। ये दूसरा पीस है, ये देखिए यहाँ पे कुछ नट बोल्ट हैं, इसमें टेप लगी है, ये छुटा लेंगे, इसको भी एक तरफ रख देंगे। ये स्टैंड है इसके लेग, ये भी चिपका रखे हैं, इसको भी निकाल लेंगे। ब्लैक कलर के ये चार स्टैंड हैं इसके, अब इसको पूरे पीस को उठा के सीधा कर लेंगे ऐसे। इधर सीधी तरफ मैं अप लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहे। और जिधर से हमने पहले खोला था, इधर मैं डाउन लिख देता हूँ। डाउन की तरफ से हमने पहले खोला था, फिर उसको अपोजिट करके अब सीधा कर दिया इसको। अब इसमें भी ये देखिए टेप लगी हुई है, इस टेप को हम यहाँ से कट करेंगे। चारों तरफ से जब कट कर लेंगे तो ये ऊपर का जो बॉक्स है ये अलग हो जाएगा, ये बॉक्स अलग हो जाएगा, और इसके अंदर आपका मॉडल जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है पैकिंग करके, जो कि रास्ते में टूटेगा नहीं, कोरियर से भेजना है, एकदम सेफ जाएगा। अब इसके अंदर देखिए, ये एक डब्बा है, बॉक्स है, बीकर का बनाया हमने, इसको मैंने टेप से चिपका रखा है ताकि रास्ते में हिले डुले ना, टूटे ना, गिरे ना, तो इसको भी हम टेप को काट लेंगे और इस डब्बे को अलग निकाल लेंगे। ये देखिए, टेप को छुटाकर फेंक देंगे, ये डब्बा हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। ये भी हमारा अलग निकाल कर रख दिया हमने, दो डब्बियाँ भी इसमें निकली हैं, कंटेनर हैं ये, इसको अलग अलग कर लेंगे, ये भी काम आएंगे। उसके बाद ये जो ग्रिल है लकड़ी की, इसको भी टेप लगी है, इसको भी अलग कर देंगे, नीचे से ब्लेड लगाएंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे ब्लेड लगाएंगे यहाँ। चारों तरफ टेप लगी है इसके, उसके बाद ये इस तरह से हट जाएगा।
इसको रिमूव कर दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैकिंग पर्पस के लिए लगाया है, इसको हटा के अलग कर देंगे। अब ये आपका मॉडल तैयार है। ये देखिए, ये है ड्रिप इरिगेशन। हम इसको असेंबल कैसे करना है और चलाना कैसे है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये नट बोल्ट का पैकेट खोलेंगे। और एक स्टैंड लेंगे, ये इस स्टैंड को ऐसे स्ट्रेट, ये जो पंप हाउस लिखा हुआ है, इस पंप हाउस के कॉर्नर पे ये दो होल हो रहे हैं। पहले होल में एक स्टैंड लगाएंगे, एक वार्सल रखेंगे इसके ऊपर, वाशर, और ये नट बोल्ट इसके ऊपर लगा देंगे। ये लगा दिया, अंदर की तरफ भी वार्सल लगाएंगे। ये देखिए अंदर का सीन दिखा देता हूँ। अंदर वार्सल लगाया और यहाँ से हमने नट कस दिया। ठीक ऐसे ही दूसरा स्टैंड भी लगाएंगे। इसको आप प्लास से भी टाइट कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। अगर प्लास से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ये टाइट हो गया और ये देखिए ये हमारा स्टैंड बन गया। अब चार लेग हैं ये हमारे पास, इन चारों लेग को हम चारों तरफ लगा देंगे एक एक करके। वही एक नट वार्शल, एक बोल्ट, ये देखिए ये चारों तरफ होल है, इसमें डालेंगे। अंदर की तरफ एक वार्शल लगाएंगे और एक नट कस देंगे। इसी तरह से हम चारों लगा लेंगे। ये देखो ये चारों लेग हमने इसमें कस दिए, ये स्टैंड बन गया इसका, चारों मजबूत हो गए, टाइट कर दिए। अब इसको हम ज़मीन पर रखते हैं और देखिए ये डबल टेप लगी है, इसको जब छुटाएंगे तो ये इसमें चिपक जाएगा। मगर मैं अभी आपको भेजने के लिए डेमो पीस दिखा रहा हूँ, इसलिए इसको ऐसे रख रहा हूँ। ये सपोज चिपक गया, ये देखिए मैंने पाइप लगाया है इसमें, इस पाइप को इसके अंदर डालना है, कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट हो गया टाइटली, ओके। ये जो दो बॉक्स हैं, ये जो वाटर गिरेगा इसमें ड्रॉपिंग होगा ड्रिप इरिगेशन, उसके आउटपुट के लिए नीचे दो होल हैं, पाइप दे रखे हैं, वहाँ पे रखने हैं आपको। ये देख सकते हैं आप नीचे, ये देखिए दो होल दिख रहे हैं आपको। ये इन दोनों होल में से पानी गिरेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो नीचे उसको हम इस बॉक्स में कवर करेंगे। बस अब हमारा मॉडल तैयार है, इसमें अब हम पानी डालेंगे। ये देखिए इसको पानी से फिल करना है। उसके बाद देखिए ये टैप को ऑन करना है, इसमें टैप लगाए, टैप को ऑन करेंगे देखिए पानी नीचे जा रहा है और ये पूरी पाइपलाइन के अंदर पानी रन करेगा। और धीरे धीरे ये जो इंजेक्शन के हमने निडल्स लगाए हैं, इस निडल में से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने लगेगा। ये देखिए आ रहा है, इसी को बोलेंगे ड्रिप इरिगेशन।
ये देखिए, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरने लगा। और इसमें हमने ये लाइटिंग सिस्टम भी लगाई है, इसमें दो बैटरी लगाएंगे नीचे और यहाँ से ऑन करेंगे तो ये सड़क पे लाइट भी जलेगी। अभी हमने बैटरी नहीं लगाई है नीचे इसलिए नहीं जल रही है, ये स्विच ऑन करने से ये लाइट भी जलेगी। ये देखिए पानी सभी ड्रॉप में से गिर रहा है, सभी नीडल्स में से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है। ये है हमारा ड्रिप इरिगेशन का मॉडल। इसको बनाने के लिए हमने क्या किया है, एक बीकर लिया है, उसमें एक टैप फिट किया है हमने, टैप से एक पाइप को कनेक्ट किया है और उस पाइप को हमने आर्टिफिशियल खेत बनाए, गार्डन बनाया, उस पाइप को राउंडिंग चिपका दिया है ग्लूगन से। ठीक है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और इंजेक्शन के निडल लेके उसको वहाँ पंच करके लगा दिया है डिफरेंट प्लेसेस पे, और जैसे ही टैप ऑन करते हैं पानी आता है तो निडल्स के अंदर से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता है और जो प्लांट्स के अंदर जाता है रेगुलर वाटरिंग करता है उसको। तो दोस्तों ये है हमारा ड्रिप इरिगेशन का मॉडल, इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर आपको बना हुआ मंगाना है तो मैं आपको बनाकर भेज सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।